नमस्कार साथियों, एक नए वीडियो में मैं फिर से आपका दोस्त एंड होस्ट बहुत स्वागत करता हूं। और आज एक बार फिर से मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये हमारे लिए कहीं ना कहीं हैरान करने वाली भी है और साथ ही साथ चौंकाने वाली भी है। तो दोस्तों, क्या है वो वीडियो, किस तरह की है वो वीडियो, उसको जानने से पहले, उसको देखने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बीके साइंस कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहला काम आप वही कर लीजिए। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि लगातार हम अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बीके साइंस कोचिंग सेंटर पर चंद्रयान 3 से जुड़ी ताजा तरीन अपडेट्स अपडेट कर रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों का प्यार, सपोर्ट और विश्वास भी हम लोगों को मिलता आ रहा है। दोस्तों, चंद्रयान 3 पर जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं वो आपने देखे हैं और उसको लगातार आप पसंद भी कर रहे हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर इस समय पहली बार आए हैं, यानी फर्स्ट टाइम आए हैं दोस्तों, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को जरूर जाकर के देख लीजिए जो कि हमने चंद्रयान 3 पर बनाए हैं। चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये वीडियो इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि अभी चंद्रयान 3 जो है हमारा, वो अब चांद की पहली जो कक्षा है, कक्षा 1, उसमें पहुंच चुका है। और उसमें चंद्रयान 3 को कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो रिपोर्ट सामने आई है खुल करके और जो नासा भी चेतावनी दे रहा है इसरो को, उसके मुताबिक चंद्रयान 3 को चांद का जो गुरुत्वाकर्षण चुंबक है वो परेशान कर रहा है। अब आप कहेंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है, तो जी हाँ दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। आपको पता है कि अंतरिक्ष की दुनिया जो है वो बहुत बड़ी होती है, बहुत विचित्र टाइप की होती है। तो ऐसे में दोस्तों, हमारे अंतरिक्ष की जो दुनिया है वो कहीं ना कहीं दूसरी तरह की है। और इसी अंतरिक्ष की दूसरी दुनिया को दोस्तों हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो अंतरिक्ष की दुनिया है वो बहुत अलग है और चांद का जो गुरुत्वाकर्षण होता है दोस्तों वो सबसे ज्यादा होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चांद का जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसकी शक्ति बहुत ज्यादा होती है और उसमें कहीं ना कहीं इतनी हजार करोड़ों अरबों चुंबकीय शक्ति मौजूद होती है दोस्तों, जो किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच सकती है। और ऐसा ही कुछ इस वक्त चंद्रयान 3 के साथ हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 जब से अंतरिक्ष में गया है, पृथ्वी की 5वीं चक्कर उसने कंप्लीट कर ली है, आप लोगों को पता है, अब वो धीरे धीरे करके दोस्तों आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में चंद्रयान 3 जो है वो लगभग 5 अगस्त को चंद्रमा की पहली कक्षा में पहुंच चुका है और जिसके बाद वो अब चांद की 5वीं चक्कर को काटेगा, यानी 5 चक्कर चांद के काटेगा। तो ऐसे में दोस्तों, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कहीं ना कहीं हमारे चंद्रयान को अभी मुश्किल पैदा कर रहा है। ये एक ताजा रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, आज सुबह ही इसरो ने यह जानकारी दी है कि चंद्रयान को कहीं ना कहीं थोड़ी सी चांद की पहली कक्षा में कुछ कठिनाइयां हो रही हैं और इसका सबसे मुख्य कारण है कि चंद्रमा पर मौजूद जो गुरुत्वाकर्षण बल है दोस्तों, ये देखिए, ये चांद है, चांद का ऑर्बिट इसी तरह से, ये हमारा चंद्रयान 3 जो है यहां सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि 23 अगस्त को यह सॉफ्ट लैंडिंग होनी है। तो ऐसे में दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल है वो हमारे चंद्रयान 3 को अपनी ओर खींच रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो चंद्रयान हमारा 3 है, ये देखिए, ये गुरुत्वाकर्षण बल था, चंद्रमा हमारा जो चंद्रयान 3 है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं कुछ कठिनाइयों का सामना उसको करना पड़ रहा है। हालांकि चंद्रयान 3 को ऐसे मटेरियल से बनाया गया है, ऐसे चीजों से बनाया गया है जो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार इसरो के जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो इसको अपडेट्स कर रहे हैं, इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में चंद्रयान 3 से जुड़ी जो भी समस्या आ रही है दोस्तों, वो अभी नीचे मौजूद ही जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उसको ठीक कर। लेकिन जो ताजा अपडेट थी वो यही अपडेट थी दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो हमारा चंद्रयान 3 है उसको अभी 5वीं कक्षा में, चंद्रमा की जो पहली कक्षा है उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसको एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो अपनी तरफ खींच रही है। हालांकि सब कुछ अभी ठीक चल रहा है, जो हमारे साइंटिस्ट जो हमारी रिपोर्ट दे रहे हैं। और मैं आपको ये भी चीज बता सकता हूं कि आप भी लाइव ट्रैकिंग के जरिए चंद्रमा की जो भी गतिविधियां हैं उसको आप देख सकते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 अभी कहां पहुंचा है, कैसे पहुंचा है, क्या है उसका ताजा अपडेट। तो इन सब चीजों को जानने के लिए भी मैं आपके लिए एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूंगा। फिलहाल ये वीडियो, ये खबर आपको कैसी लगी वो हमें जरूर बताइएगा। कमेंट आप हमें जरूर दे सकते हैं, किस तरह का सुझाव आप हमें दे सकते हैं।
और एक बार फिर से दोस्तों चलते चलते अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे पुराने चंद्रयान 3 पर बने इस तमाम वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आप जाइए उस वीडियो को देख लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाजत और चलते चलते एक बार फिर से चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।